इंडिया नहीं भारत। अपनी विरासत से जुड़ने की शुरुआत अब क्लासरूम से होगी। सूत्रों के मुताबिक इसके लिए पहल एनसीईआरटी ने की है। एनसीईआरटी की किताबों में अब इंडिया की जगह भारत शब्द लिखा जाएगा। इस प्रस्ताव को एनसीईआरटी के पैनल ने सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी है। सूत्रों के मुताबिक इस मंजूरी के बाद अगले शिक्षा सत्र से एनसीईआरटी की सभी किताबों में इंडिया की जगह भारत लिखा और छापा जाएगा और यही क्लासरूम में पढ़ाया जाएगा। देश का नाम इंडिया हो या भारत, इस पर चर्चा आजादी के बाद से ही होती रही है, लेकिन विवाद ने तूल पकड़ा सितंबर में हुई G20 बैठक के दौरान। G20 की बैठक के दौरान राष्ट्रपति भवन की तरफ से डिनर के लिए जो इनविटेशन कार्ड भेजा गया था उसमें इंडिया की जगह भारत दर्ज था। इस कार्ड के सामने आने के बाद ही चर्चा शुरू हो गई थी कि क्या सरकार देश का नाम बदलने की तैयारी में है। संसद का विशेष सत्र कुछ दिनों बाद शुरू होने वाला था, इसी वजह से इन चर्चाओं ने तेजी पकड़ी, लेकिन ये तो इन चर्चाओं की एक शुरुआत भर थी। इस चर्चा के बीच G20 में शामिल भारतीय अधिकारियों के कार्ड पर भी इंडिया की जगह भारत लिखा नजर आया और इसी बीच पीएम मोदी के इंडोनेशिया दौरे की जानकारी का जो ब्रोशर सामने आया उस ब्रोशर में भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा था। यानी हाल के दिनों में सरकारी दस्तावेजों में इंडिया की जगह भारत को प्रमुखता देने की शुरुआत हुई है। इंडिया और हिंदुस्तान, ये दोनों शब्द हमारे लिए उन लोगों ने इस्तेमाल किए जो बाहर से हमारे ऊपर आक्रमण करने आ रहे थे। आक्रमण करने आए उनमें से कुछ लोग हमारे ऊपर शासक बन के बैठ गए, ये उन लोगों के हमारे लिए हमारा नाम उन्होंने दिया हुआ है। हमारे खुद के लोग अपने लिए क्या नाम इस्तेमाल करते थे, वो था भारतवर्ष, भारत। संविधान सभा में दोनों नामों को ही स्वीकृति मिली और इसलिए उससे छेड़छाड़ नहीं किया गया कि हमारे ये बहुरंगी देश है, भारत निश्चित रूप से रहना चाहिए, लेकिन उसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इसमें राजनीति की बू आ रही है। अब इंडिया की जगह भारत के रास्ते पर आगे बढ़ते हुए एनसीईआरटी की किताबों में बदलाव का फैसला हुआ है। इस बदलाव के पीछे ठोस तर्क हैं। दरअसल देश का नाम इंडिया हो या भारत, इसे लेकर बहस संविधान सभा में भी हुई थी। संविधान सभा में देश के नाम को लेकर वोटिंग तक करानी पड़ी थी। 4 नवंबर 1948 को प्रारूप समिति के अध्यक्ष बी.आर. अंबेडकर ने भारत के संविधान का जो पहला मसौदा पेश किया था उसमें भारत नाम नहीं था। इस पर कुछ सदस्यों ने एतराज जताया था और इंडिया बनाम भारत की बहस तभी शुरू हो गई। 18 सितंबर 1949 को अंबेडकर ने आर्टिकल 1 का मसौदा तैयार किया। इस मसौदे में देश के नाम का उल्लेख इंडिया, दैट इज भारत के तौर पर किया गया। डॉक्टर अंबेडकर के इस प्रस्ताव के बाद भी नाम पर विवाद नहीं थमा। तब संविधान सभा में मतदान कराया गया। भारत के पक्ष में 38 वोट पड़े जबकि इंडिया, दैट इज भारत के पक्ष में 51 वोट। आखिरकार इंडिया, दैट इज भारत ही संविधान में बरकरार रहा और अब इसी तर्ज पर सरकार इंडिया की जगह पर भारत को प्रमोट कर रही है। नो, इंडिया दैट इज भारत, इट इज देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, प्लीज आई वुड इनवाइट एवरीबॉडी टू रीड इट। आई थिंक व्हेन यू से भारत इन अ सेंस अ मीनिंग एंड अ अंडरस्टैंडिंग एंड अ कॉनोटेशन दैट कम्स विद इट एंड दैट इज रिफ्लेक्टेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन एज़ वेल। संविधान के आर्टिकल 1 में इंडिया, दैट इज भारत लिखा हुआ है, यानी देश को अंग्रेजी में इंडिया और हिंदी में भारत कहा जा सकता है। इसलिए अब सरकारी कार्यक्रमों में देश का नाम भारत इस्तेमाल हो रहा है, वहीं किताबों में इंडिया को भारत से रिप्लेस किया जा रहा है। आर्टिकल 1 का क्या करेंगे आप, विच सेज इंडिया दैट इज भारत, इंडिया जो कि भारत, आपको इसे भी परहेज तथ्यों के साथ खिलवाड़ होगा और देश के नाम के साथ भी खिलवाड़ करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है हमें, भारत से भी दिक्कत नहीं है हमें, इंडिया से भी दिक्कत नहीं है। हम आपको बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को इंडिया से दिक्कत क्यों हो गई है और वो सिर्फ इंडिया गठबंधन बनने के बाद हुई है। देखिए, एक राजनीतिक निर्णय है क्योंकि इस देश के लगभग सभी प्रमुख राजनीतिक दल जो देशभक्त है एक साथ आकर एक इंडिया गठबंधन बनाया
तब से इंडिया नाम से नफरत करने लगे हैं ये लोग। भारत तो हमारे है, भारत देश है। असल में इंडिया शब्द का इस्तेमाल ईस्ट इंडिया कंपनी और प्लासी के युद्ध जो कि 1757 में हुआ था उसके बाद ही होना शुरू हुआ था। जानकारों का मानना है कि भारत शब्द का प्रयोग विष्णु पुराण जैसे हजारों साल पुराने प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है। इसलिए अब अपनी जड़ों से जुड़ने के लिए इंडिया की जगह भारत को प्रमोट किया जा रहा है। एनसीईआरटी के फैसले से पहले सरकार ने प्रगति मैदान की जगह नए भवन का नाम भारत मंडपम रखा। भारत की पहली रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का नाम नमो भारत ट्रेन रखा। इससे पहले वंदे भारत ट्रेन, स्वच्छ भारत अभियान, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, उन्नत भारत अभियान जैसी योजनाओं के नाम से भारत शब्द जुड़ चुका है। हालांकि इंडिया नाम से अभी भी मोदी सरकार की कई महत्वाकांक्षी योजनाएं चल रही हैं, जिनमें प्रमुख हैं डिजिटल इंडिया और स्किल इंडिया।